अरे नहीं आ रहा मैं बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर बाहर आ जाओ, बाहर है। हाँ सीधा पार्किंग में, दो नंबर पार्किंग में। हाँ अंदर नहीं आएगी गाड़ी, गाड़ी जी गाड़ी हमारी अलाउड नहीं है। राम राम भाई सारे भाइयों, मैं विक्की खत्री करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत आज अपने चैनल एबी कैब वाला के एकदम नए और फ्रेश ब्लॉग में। 15 सितंबर 2024 सुबह सुबह 4:25 और मैं हूँ गाड़ी के पास, ये अपनी कार खड़ी है भाई और अपना पिकअप है 5 करोल बाग से एयरपोर्ट के लिए। तो पहुँच रहा हूँ वहाँ पर फटाफट क्योंकि तो भाई टाइम होता जा रहा है और एयरपोर्ट की सवारी को लेट नहीं कर सकते। पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट, करते रहेंगे सारा दिन बात, फोड़ेंगे दवा के बाद और करेंगे जबरदस्त काम। भाई और ड्रॉप हो गया है, जो बुकिंग आई थी करोल बाग से मेरे पास टर्मिनल 3 के लिए उनको ड्रॉप कर दिया है। 5:38 हो गए हैं और मैं नीचे उतर रहा हूँ रैंप से। इसके बाद अगला पिकअप 6:15 पे सर्वोदय इनक्लेव मालवीय नगर से एयरपोर्ट के लिए। निपटाते हैं भाई इस वाली बुकिंग को भी, और संडे का दिन है आज, थोड़ा थोड़ा सा रोड खाली रहने की है उम्मीद और काम जबरदस्त, क्योंकि जितने भाई मैक्सिमम ये वीडियो देख रहे हैं वो संडे को सोचते हैं काम नहीं होता है सुबह सुबह, वो अपने चद्दर तान के सो रहे होते हैं। तो चलो भाई, उनके सोने की वजह से अपना काम होता है। मैं तो कहता हूँ भाई हर दिन संडे ही हो और ड्राइवर भाई ये सोचते रहे आज काम ही नहीं है और घर पे आराम फरमाते रहे और अपना काम होता रहे। देखो भाई ये है मजाक की बातें, मैं तो ये चाहूँ सारे भाइयों का बढ़िया काम हो, कोई समस्या ना आए और रेस्ट वेस्ट तो ऐसे ही होते रहे। इस काम में आगे हो तो रेस्ट वेस्ट की तो स्टोरी भूल जाओ, इसमें तो मेहनत है भाई खतरनाक लेवल की। कल भी मैं सुबह 4:30 निकला था, 4 निकला था और रात को 9:30 घर घुसा था और आज फिर से सुबह 4 निकल गया था। तो इसमें रेस्ट वेस्ट भूल जाओ, बस कार्रवाई काम की बैठाते रहो। रेस्ट तो था ही भाई, जब ये गाड़ी ना थी जब तो रेस्ट ही था ना, काम ढूंढते फिरे थे के काम करें के काम करें, रेस्ट तो था ही। अब वो रेस्ट के दिन गए, फिर अब करो काम फटाफट। लो भाई फिर से खाली हो गए यार, 6:38 हो गए हैं और आज की दूसरी बुकिंग का भी एंड हो गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 सर्वोदय इनक्लेव से बुकिंग थी भाई, और अब देखते हैं भाई कब ओला उबर रैपिडो मेहरबान होंगे और अगली बुकिंग आएगी। 6:38 15 सितंबर 2024 की सुबह। सी एन जी ले रहा हूँ, CNG पंप सफदरजंग हॉस्पिटल के पास से। दिल्ली कैंट से बुकिंग आ गई थी आकाश इंस्टीट्यूट साउथ दिल्ली, उनको ड्रॉप करके ले रहा हूँ CNG। भाई CNG डलते ही बुकिंग आ गई है एम्स हॉस्पिटल से एयरपोर्ट के लिए। एम्स हॉस्पिटल तो नहीं है मगर ये 2 गेट से भाई आई है बुकिंग, मगर वो खड़े हैं 2 गेट पे और मैं था सफदरजंग, तो बहुत बहुत लंबा टर्न पड़ने वाला था, इस वजह से मैं आ गया हूँ भाई एम्स हॉस्पिटल के 1 से एंट्री करके 2 पे निकल जाऊँगा। तो 2 पे ही पैसेंजर खड़े हैं। तो आज की 4 बुकिंग 7:42 हो गए हैं और बस लेके पैसेंजर को पहुंचते हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे आज बहुत सारे भाई जानते हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं, नंबर भी मांगते हैं उनका, उनसे मुलाकात का है चांस, क्योंकि भाई उसका है
साढ़े आठ के आसपास में है पिकअप टर्मिनल टू से, और आधे 20-22 मिनट में मैं यहाँ से पहुंच जाना है टर्मिनल। देखते हैं कौन से पे जाएंगे पैसेंजर, हो सके मिल गए तो भाई मिलवाएंगे आपते भी, और ना तो भाई मैं तो पहुंच ही रहा हूँ। ओटीपी देखिए, बाइक ड्रॉप कर दिया था और जिस बंदे से मिलने की बात कर रहे थे वो बंदा है मिल गया है। ये देखो ये खड़ी है उसकी कार ये, और बताओ भाई नाम वाम मैं बताऊंगा नहीं कौन है ये बंदा। ओए अरे कोई दिक्कत ना है, पता चलेगा। देखो बताओ भाई कौन है ये बंदा, नाम नहीं बताऊंगा, बताओ कौन है। बहुत बढ़िया बढ़िया, और नाम नहीं बताना, नाम कमेंट में ही आएगा। देख रहे ये होती है सवारी का फोन आ गया, सर सर लाग रहे करण देखो। सर टीटू पे है ना सर आप? बस आप गेट से बाहर निकल के खड़े हो जाओ, मैं बस गाड़ी एंटर करूंगा सर, आपको कहीं नहीं जाना। दिल्ली पुलिस का बूथ है वहीं पे। हाँ दिल्ली पुलिस का बूट लगा हुआ सर, जैसे बाहर निकलेंगे वही बस सामने ही दिल्ली पुलिस का बूट है, बस रोड के ऊपर ही जाना, कहीं और नहीं जाना सर आपने। ओके सर आप, सर मैं भी एंट्री कर रहा हूँ सर। देखो रे ये होती है गुलामी रे। अरे नहीं आ रहा मैं। बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर बाहर आ जाओ, बाहर है सीधा पार्किंग में, दो नंबर पार्किंग में। अंदर नहीं आएगी गाड़ी, गाड़ी हमारी अलाउड नहीं है। चलो भाई ऐसा मैं नहीं बोलता, ये दूसरे जो है हम भाई बोलते हैं भाई, कस्टमर भगवान का रूप है बाबू जी, अब सर्विस देते हैं, हम सर्विस देते हैं। चल यार मंगेश पहुंच यार, तू लेट कर रहा है, चल मिलते हैं फिर। हां चलो यार, छोटी भी होगा जी क्या? भाई बुकिंग आई है सदर बाजार के लिए, बुकिंग तो बहुत आ गई, काउंटिंग साउंटिंग तो है नहीं, मगर अभी देखते हैं, लेते हैं इनको, जहाँ जाना है ना इनको वहाँ तो अपनी गाड़ी जाएगी नहीं, पहले ही पाड़े पाड़ दूंगा जी, इससे आगे अपनी गाड़ी नहीं जाएगी, चलना हो चलो नहीं तो मत चलो। हाँ जी कहाँ जाना है आपको? सदर बाजार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक गाड़ी जाएगी। क्या का फायदा है? हाँ तो मत करो ना, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, बाद में थोड़ी ना बता रहा हूँ। कैंसिल कर रही हूँ। ओके कोई भाई कैंसिल हो भाई, आज ओला उबर रैपिडो कोई जगह नहीं छोड़ेंगे घुमाए बगैर, नोएडा पहुँचा दिया है। एम्बेसडर होटल खान मार्केट से बुकिंग आई थी, ड्रॉप कर दिया है, और अब अगला पिकअप 5:20 पे कहाँ से? सरिता विहार से कृपाल आश्रम गुड़ मंडी सिविल लाइन एरिया मुखर्जी नगर कमला नगर इस साइड में पहुँचते हैं भाई पिकअप लोकेशन पे। बने रहो व्लॉग में, संडे के दिन मचा दो तबाही, आज खतरनाक लेवल का है काम भाई। नोएडा को करते हैं अलविदा, क्योंकि पिकअप है अपना सरिता विहार से। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, बैठ रहे हैं पैसेंजर, ओटीपी डालते हैं। नमस्कार सर, 310 भाई आज के अपने काम का एंड हुआ है यहाँ पे आके शालीमार बाग। भाई बागम बाग बुकिंग पे बुकिंग सारा दिन, ओला क्या उबर क्या रैपिडो क्या, तीनों कंपनियों की भाई चक्री बांध दी और अपने काम का एंड करके पहुंच गया हूं अपने ठिकाने पे। भाई सुबह 4-5 सुबह शायद 5 बजे के आसपास पहली बुकिंग थी, और मैक्सिमम काम उबर में हुआ है,
2800 से 3000 के आसपास का, 1158 रुपए का ओला में, और मात्र एक बुकिंग जो कि बहुत ही नियर की थी, सिर्फ 1 किलोमीटर की बुकिंग थी रैपिडो में। ये काम आज भाई होया है। सीएनजी 500 रुपए की एक बार डली थी और 411 रुपए की एक बार डली थी, टोटल 900 रुपए की सीएनजी आज डली और अभी सीएनजी है और गाड़ी चली 249 किलोमीटर और बस यही कार्रवाई है। और सारा दिन खैचम खैच। और आज एक भाई मंगेश भाई मिले थे सरताज कैब सर्विस से, सारे भाई जानना चाहते थे मंगेश भाई के बारे में। वो मंगेश जी थे नोएडा से, जो उनका भाई पिकअप था एक एयरपोर्ट से, तो भाई से मिले, बड़ा अच्छा लगा। और आज भाई बुकिंग पे बुकिंग थी, एक छोड़ दूसरी, एक छोड़ दूसरी। आज संडे का दिन था ना, संडे को ताबड़ तोड़ काम रहता ही है। तो भाई आज के व्लॉग को एंड कर रहे हूँ और सुबह 4 बजे अपना पिकअप फिर से है दिल्ली कैंट से, तो अभी 8:15 हो गए हैं, तो गाड़ी चली करीब 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 16 घंटे। 16 घंटे में 250 किलोमीटर और बुकिंग होगी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है कितनी कर बगाई भाई आज, तो कमाल कर दिया आज, कुछ नहीं देखा कितने अमाउंट की बुकिंग थी, आने दो। बाकी मिलेंगे आपसे कल, उम्मीद है काम खेच रहे होगे, इसी तरीके से करते रहोगे आगे भी, और अब तो रुकना है नहीं, अब तो होली तक धूम धड़ाका रहने वाला है। मिलेंगे आपसे, करता हूँ अभी इस वाले ब्लॉग का एंड, सुबह सुबह फिर से कर देंगे शुरुआत। भाई को दे दो इजाजत, सारे भाई ने राम राम।